हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आज का दिन मेरा दूसरा वीडियो है। जस्ट मैंने अभी इसके पहले ये कैडिला हेल्थ केयर का वीडियो अपलोड किया है। तो आज का डेट है 22 मई 2020। आज का वीकली क्लोजिंग भी हो गया है। ठीक है, तो मैं ये बोलने के पहले मैं लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी के आउटलुक्स थे जिसके मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि मैंने कौन से लेवल पे कैसे कैसे हुआ था। अभी तक वैसे ही चल रहा है, अभी देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे चलेगा। ठीक है, तो और एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर वन लाइन कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो सब एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे मेरा डिटेल में डिस्क्लेमर दिया है। तो मैं निफ्टी के आउटलुक देने के पहले कुछ मैं क्विक रिकैप करना चाहता हूँ लास्ट के मेरे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं बोला था, तो आपको मैं उस तरफ ले चलता हूँ। तो निफ्टी का ये आपके सामने प्लेन चार्ट है। मैंने एक 20 मार्च में, जब मार्केट काफी नीचे था, तो मैंने 20 मार्च 2020 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप वो देखना चाहे तो देख सकते थे। ठीक है, तब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा रीडिंग बताया था, वो वीडियो में पूरा डिटेल्स है। तो बस एक रिकैप बताना चाहता हूँ कि मेरे इंपॉर्टेंट आउटलुक में से क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो 20 मार्च को जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो क्लोजिंग था 8,745। ठीक है, उसके बाद उसका लो था कुछ 7,511। तो वो मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए जिसको देखना है, मैं चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे पोस्ट कर दूंगा 28 मार्च को। उसके बाद मेरे एक 7 अप्रैल 2020 को नेक्स्ट वीडियो अपलोड था, जब कर ये 7 अप्रैल को जब मार्केट क्लोज हुआ था 8,792, तब मैंने कुछ रजिस्टेंस बताया था। रजिस्टेंस क्लोज होने के बाद मैंने बोला था 9,900 से लेके 10,000 का एक लेवल है जो पॉसिबिलिटीज दिख रहा था चार्ट में, 9,900 से लेके 10,000। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको। इस दिन वो हाई किया था 9,889, तो ऑलमोस्ट 11 पॉइंट बाकी था मेरे जो लेवल्स दिए थे। और ये मैंने अपलोड किया था 7 अप्रैल 2020 को। तो मैंने तीन लास्ट के ये थे, ठीक है, तीन लास्ट के मतलब इम्पोर्टेंट जो थे जिसमें मैंने लेवल्स बताया थे। अब जिसको चाहिए तो देख सकते हो, मैं से नॉर्मली हर निफ्टी के आउटलुक में मैं लेवल्स बताता हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का लेवल जो भी है, और ये तीन में मैं बताया था। बाकी मैं भी चीज बताता हूँ जो मेरे रेगुलर देखते हैं उनको पता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक ट्रेड सेटअप था निफ्टी का। उसके पहले मैंने एक हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था, उसके बाद मैंने कुछ टारगेट बताए थे। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ, अभी कैसा दिख रहा है और कैसे पॉसिबिलिटीज है दिखने में। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने लास्ट के रिकैप बताया आपको निफ्टी के। तो हम अभी है डेली में। ठीक है, मैं आपको वीकली मंथली नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे लास्ट में जितने भी थे आप देखना चाहते तो देख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसे ही है। तो मैं आपको डेली में भी बताना चाहता हूँ कि जो ये ब्राउन लाइन था, जो नेक लाइन था उसका, ठीक है, नेक लाइन अभी तक क्लोज नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने कुछ 19 को अपलोड किया था, मैंने इसके बाद ब्रेकडाउन हुआ था 2 या 1 या 2 दिन क्लोजिंग बेसिस पर, बट उसी दिन उसने क्लोज दिया। और मेरे जो 300 के मतलब मेरे जो जो मैंने टारगेट बोला था, उसका पहले टारगेट 8,750 था, पर उस दिन का लो उसने किया 8,806, ये 18 मई का था। ठीक है, तो अभी तक इम्पोर्टेंट जो नेक लाइन है, नेक लाइन पे दिख रहा है आपको, उसने क्लोजिंग नहीं दिया है। ये नेक लाइन दिख रहा है आपको, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा ना, नेक लाइन ऊपर ऊपर चले जाएगा, तो जैसे वैसे वैसे उसके टारगेट बढ़ते रह गए। ठीक है, तो आज का जो क्लोजिंग था नेक लाइन का था 9,108 के आसपास नेक लाइन था, 9,108। तो आप ना इसमें एक एग्जैक्ट ये नंबर मत पकड़िए, इसमें 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़िए, निफ्टी काफी फ्लक्चुएट होता है, तो नेक लाइन इंपॉर्टेंट है। मेरे अभी भी टारगेट एज इट इज मेंशन है 300, 400, 500, कहां से, ये नेक लाइन से। ठीक है, तो आप ऐसे बोलने गए जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, वैसे ब्रेकडाउन हो चुका है और इसका रिटेस्ट भी हो चुका है। ब्रेकडाउन मतलब जब लाइन के नीचे टूटता है, ये ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, और ये रिटेस्ट हो गया। आप रिटेस्ट देखें, 1, 2 और ये तीसरा दिन था आज, इंट्राडे में कोशिश किया पर उसने सक्सेसफुली और लेवल पे क्लोजिंग नहीं दिया। तो ब्रेकडाउन के बाद 3 दिन कोशिश किया है, तो जैसे कि ब्रेकआउट के बाद मैं बोलता हूँ ये 2 या 3 दिन वेट कीजिए आप पोजीशन लेने के लिए, तो वैसे ये 2-3 दिन हो गए नेकलाइन पे उसने रिटेस्ट किया है।
तब देखते हैं। अभी तक मेरा उसमें कोई कॉल नहीं है, पुट नहीं है, ठीक है, बट मैंने इसके पहले जो टारगेट बहुत था, टारगेट मेरा अभी भी मेंशन, अभी भी मेरा टारगेट है वैसे के वैसे ही मेंटेन है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई कॉल नहीं है, पुट नहीं है। मैं निफ्टी के कॉल एंड पुट्स ऑप्शंस लेता हूँ, डेली बेसिस पे लेता हूँ, मैं कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। मैंने एक आज कॉल दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी मैं चार्ट कल पोस्ट करूंगा कौन से बेसिस पे मैंने लिया है और मेरा एक्सपेक्टेड है उसका ब्रेकडाउन का, पर एनीवे वो कल करूंगा मैं। तो ये निफ्टी का ये हो गया। निफ्टी का मेरे पास और एक चार्ट है, तो ये ब्रेकडाउन का लेवल हो गया, अपसाइड जाना है तो कौन सा लेवल क्रॉस करना है, तो मेरे पास और एक चार्ट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो निफ्टी के नॉर्मली मैं दो तीन चार्ट करता हूँ, ये मेरा दूसरा चार्ट है। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पहले ट्रेंड लाइन यहां से था, अभी ट्रेंड लाइन चेंज कर दिया मैंने। तो जो लोअर ट्रेंड लाइन है, एक दो तीन चार, मतलब बोले तीन दिन और ये एक, ये एक और यहां पे तीन, तो चार बार कोशिश किया है ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है इसका 9263, तो आप 9300 पकड़ के चलिए। अगर ये 9300 ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से ये ब्राउन लाइन जाने का चांसेस है, पर ब्राउन लाइन जाने के पहले भी 9300 ब्रेक करने के बाद मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने वो नेक लाइन का आपको लेवल बताया था, अगर नेक लाइन का लेवल और ये ट्रेंड लाइन का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो एज ऑफ नाउ जैसे कि मैंने आपको हेड एंड शोल्डर के जो पैटर्न में बताया था 300 400 500, वो टारगेट अभी भी वैसे एज इट इज ही है, बट मैंने एक दूसरा चार्ज जस्ट एन एज्यूम्शन लिया है। अगर ये भी लाइन अगर तोड़ता है 8900, तो इसका डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो तीन दिन जो उसने रीटेस्ट लिया है, तब अभी तो मंडे को ऑफ है, ट्यूजडे वेनेसडे को देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे मूवमेंट होता है, पर मेरा व्यू एज ऑफ नाउ बियरिश ही है, ठीक है। जब तक ऊपर को ब्रेकआउट नहीं होता है, ऊपर नहीं जाएगा, जैसे कि मैं ब्रेकआउट का लेवल बोल दिया हूं, और ब्रेकडाउन का मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं वही चार्ट। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट में अगर जिसको लेना है वो याद रखिए, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नेक लाइन का क्लोजिंग देना, नेक लाइन का क्लोजिंग भी है आज की डेट में, जैसे मैं बताया था आपको लेवल, वो लेवल पे एक या दो दिन क्लोज देना चाहिए, ठीक है। और ब्रेकआउट का लेवल भी बता दिया हूं, जो मैंने ये एक चार्ट और जैसे कि इसके पहले जस्ट पहले दूसरा चार्ट बताया था, उसमें भी एक लेवल हुआ था, वो ब्रेकआउट का लेवल होगा, पर ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली पोजीशन नहीं लेना है, वेट करेंगे, देखिए कैसा होता है आने वाले दिनों में। तो निफ्टी मिक्स बैग है, इसके आप इंडिकेटर्स देखोगे तो भी इंडिकेटर्स में भी कोई ये नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है निफ्टी के। तो अब वेट कीजिए ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन का लेवल। तो निफ्टी एज ऑफ नाउ जैसे कि मैं बोला कोई डायरेक्शन नहीं है, पर ओवरऑल जब तक नेक लाइन ब्रेक करके वेट नहीं करता है वो हो गया, और दूसरे जैसे कि मैंने चार्ट बताया था वो ब्रेकआउट का लेवल भी बताया था, तो आप वेट कीजिए, देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। मैं नॉर्मली वीक एंड में बताता हूं, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे को अगर बीच में कोई भी लेवल ब्रीच करता है तो मैं आपको मिड ऑफ द वीक में भी कोशिश करूंगा कि निफ्टी के आउटलुक कैसे है क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कुछ भी डाउट है, क्योंकि मैंने दो चार्ट बताया तो कुछ दो या तीन लेवल्स बताया, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही ट्रेड होते हैं, आपके पास जो भी चार्ट होते हैं आप वेट कीजिए, थोड़ा देखिए कैसे कन्फर्मेशन आता है, ये ना कि एक लेवल में क्रॉस किए तो उसके बाद ले लूँ, या तो एक लेवल क्रॉस किए तो उसके बाद मैं उसको सेल आउट कर दीजिए। रिटेस्ट का वेट कीजिए, जैसा कि रिटेस्ट में हो चुका है, और कोशिश कीजिए थोड़ा वेट करके लेने के लिए। अगर ट्रेड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं होगा, पर ट्रेड होगा तो कोशिश हो यही होता है कि सक्सेसफुल होना चाहिए ट्रेड। थैंक यू।